मैंने आप लोगों से कहा था कमेंट करो, बताओ, पूछो मुझसे कि आप किस बारे में क्या जानना चाहते हो। लेकिन लोगों ने बात को हल्के में लिया, लेकिन जुबैर खान नाम के एक हमारे व्यूअर ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा, आलतू फालतू नहीं। जुबैर ने पूछा कि भाई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क होता है। सवाल बहुत जेन्युइन था, कुछ लोगों ने इस पर रिप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है जेन्युइन सवाल पर वीडियो तो बनती है। तो पेश है आज इस रिपोर्ट में, आप जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे शुरुआत में आपको बिल्कुल बिना देरी करे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों दोनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को दागा जाता है लंबी दूरी तक वार करने के लिए, क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत से उसको अमरीका की तरफ दागा जाए तो 4 से 5 घंटे में ये दोनों मिसाइलें अमरीका तक पहुँच सकती हैं, यानी लंबी दूरी तक वार करने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पर। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको समुद्र, हवा, ज़मीन, पहाड़, जंगल, कहीं से भी दागा जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब दागा जाता है तो ये जब आसमान की तरफ जाती है तो इसका रास्ता चांद की गोलाई की तरह होता है, चांद की गोलाई की तरह, याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे मेन बात, इसी बैलिस्टिक मिसाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है पूरी दुनिया के किसी भी देश को परमाणु हमला करने के लिए। इस बैलिस्टिक मिसाइल के ही अंदर परमाणु बम लगाकर इसको दागा जाता है, याद रखिएगा, परमाणु दागने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत बारीक लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बैलिस्टिक मिसाइल को जब जमीन से आसमान की तरफ दागा जाता है तो 45 डिग्री एंगल पर यह मिसाइल आसमान की तरफ जाती है और इतनी ऊपर चली जाती है कि वहां से जो ग्रेविटी होती है, जमीन की तरफ खींचने वाली जो श्वा होती है, जो चीज होती है, वो उस मिसाइल को अपनी तरफ खींचती है और फिर वो डबल स्पीड से, यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ गिरने लगती है। इतनी स्पीड तेज हो जाती है कि दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम हो या रडार, डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता, रडार उसको पकड़ नहीं पाता, बैलिस्टिक मिसाइल। अब आते हैं क्रूज मिसाइल पर। क्रूज मिसाइल भी अपने में काफी खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसके अंदर फाइटर जेट का इंजन लगा होता है जिसकी वजह से यह अपने सही टारगेट तक बहुत सही समय पर पहुंचती है। दूसरी बात, यह गाइडेड मिसाइल होती है और इतनी एडवांस होती है कि यह रास्ता नहीं भटकती और अपने टारगेट को कहीं से भी, अगर रास्ते में कुछ चीज़ आ जाती है तो ये अपने रास्ता बदल कर अपने टारगेट को ढूंढ कर जाकर उसको मारती है। क्रूज मिसाइल, जो मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल बताई है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जिस क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी क्रूज मिसाइल होती हैं वो साइज में छोटी होती हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बड़ी होती है, बड़े बम, खतरनाक मिसाइल, खतरनाक विस्फोटक लेकर खुद जाती है, भारी बम ले जा सकती है, लेकिन क्रूज मिसाइल छोटे बम और हल्के वजन के बम लेके जाती है। जो खतरनाक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बड़ी वाली मिसाइल है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ईंधन रखा जा सकता है, फ्यूल रखा जा सकता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है, जो छोटी मिसाइल होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ईंधन नहीं होता है। तो दोस्तों आसान जबान में बैलिस्टिक मिसाइल बहुत खतरनाक है, वो यहाँ है यार, और क्रूज मिसाइल यहाँ पर है। बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु हमला किया जा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ऊंचाई पर जाती है, 45 डिग्री एंगल पर जाती है और 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे गिरती है, इसको डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, ये रडार में नहीं आती, इतनी तेज़ी से गिरती है। और दूसरी जो क्रूज मिसाइल है ये रडार में भी आ जाती है और ये सीधा जाती है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि फाइटर जेट का इंजन लगा हुआ होता है और ये गाइडेड होती है, एडवांस होती है और अपने टारगेट को यह हर तरह से जाकर हिट करती है, चाहे रास्ते में कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल रास्ते में कुछ आ गया तो रास्ता बदल के घूम फिर के भी अपने टारगेट को जाकर हिट कर देगी। तो ये फ़र्क आपके सामने रख चुका हूँ, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगली किस पर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद।